हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ इंद्रजीत। सो कैसे हो आप सब, प्लीज़ कमेंट करके मेरे साथ ज़रूर शेयर किया करो। सो गाइस, जिस दिन दक्षु का फर्स्ट डे ऑफ स्कूल था आफ्टर समर वेकेशन, सो उसी दिन का ये व्लॉग है। उसको स्कूल ड्रॉप करके आई थी मैं। उसके बाद फिर मैंने ना अपने व्लॉग को कंटिन्यू किया था, बट मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट को डिवाइड कर दिया था, मतलब दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया था। सो घर पे आके जितना मेरा रूटीन था, मेरा काम था, घर का सब चीज़ मैंने इस व्लॉग में शेयर की है। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और दक्षु को लेने जाऊंगी, देखते हैं उसके क्या रिएक्शंस रहते हैं मुझे देख के। और फर्स्ट डे ऑफ स्कूल है उसका आफ्टर समर वेकेशन, तो देखते हैं कि आज उसका। सुबह जब स्कूल गया था तब तो मूड थोड़ा सा अजीब हो गया था उसका, क्योंकि अभी वो भूल चुका था कि मुझे स्कूल जाना है। छुट्टियां चल रही थी ना, काफ़ी छोटा है अभी, प्री नर्सरी में है, प्ले स्कूल में जाता है, तो इस वजह से। सो देखते हैं जब मैं और दक्षु के पापा लेने जाएंगे उसको, तो उसके क्या रिएक्शंस रहते हैं। सो बस अभी घर पे आके फिर मुझे छोटे मोटे काम थे, ये मैं आज थोड़ा सा स्टिचिंग का काम कर रही हूँ वहाँ पे, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने एक्चुअली न्यू शर्ट ली थी, तो उसकी ना स्लीव्स जो है, हाफ स्लीव की शर्ट है ये, उसकी स्लीव थोड़ी सी लूज थी। मेरे हस्बैंड जिम वगैरह ज्वाइन कर रखे ना, जिम जाते हैं, तो वो पहले से काफ़ी थिन हो चुके हैं, पहले काफ़ी हेल्दी होते थे, बट अभी उन्होंने अपने आप को मेंटेन कर लिया है। तो फिर ये शर्ट ना उनके लूज थी, और मैंने सोचा कि चलो इसको स्टिच करके ना इसकी स्लीव्स को थोड़ा फिटिंग का कर देती हूँ। तो बस वही काम मैं यहाँ पे कर रही थी, और बस स्टिचिंग का काम होने के बाद अब आ गई हूँ मैं बेडरूम में। बेडरूम की हालत थोड़ी सी ख़राब थी, ज़्यादा ख़राब तो नहीं थी, वीडियो में इतना नहीं पता चल रहा, बट हाँ बेडशीट को पूरा अच्छे से झाड़ के मुझे अच्छे से सेट करके बिछाना था। और ये देखिए दक्षु का लिज़र्ड टॉय, जो आर्टिफिशियल लिज़र्ड होती है ना, इसको डराने के लिए एक्चुअली लेके आए थे, क्योंकि शरारतें बहुत करता है। हमने सोचा कि चलो हमारे से तो डरता नहीं है, लिज़र्ड लेके आते हैं उससे ये ज़रूर डरेगा, बट इसने उससे भी दोस्ती कर ली है, सो लिज़र्ड से भी ये डरता नहीं है। सो बस यहाँ पे मैं पूरा बेडशीट को अच्छे से झाड़ करके बिछा दूँगी, क्योंकि ये बेडशीट मैंने अभी एक दिन पहले ही बिछाई थी वॉश करके। दूसरी बेडशीट मतलब मैंने वॉश कर दी थी, इसको मैंने चेंज किया था। सो आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा ही होगा। सो बस इस बेडशीट को अभी ऐसी अच्छे से सेट करके मैं बिछा दूँगी। क्योंकि ये सारे काम जो है ना, वो दक्षु के स्कूल जाने के बाद ही मैं करती हूँ। उसको जब स्कूल जाने के लिए, मतलब मॉर्निंग का जो मेरा टाइम होता है, जब उसको स्कूल जाना होता है, तो सुबह सिर्फ उसका लंच वगैरह, टिफ़िन वगैरह बनाना होता है मुझे, एंड उसको रेडी करना होता है। उसको थोड़ा सा पैम्परिंग की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि काफ़ी छोटा है वो, क्योंकि सुबह सुस्त होता है ना, उठने का मन नहीं करता उसका, नींद उसको इतनी प्यारी है, इवन सब बच्चों को होती है। सो उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ता है मुझे, तो बस इस वजह से फिर जो घर के बाकी के काम होते हैं वो फिर मैं अपना घर पर वापस आके करती हूँ, जब मैं दक्षु को स्कूल छोड़ के आती हूँ। सो बस कुछ कपड़े मैंने रात को धुल करके डाले थे बालकनी में, वो भी सूख चुके हैं, तो वो मैं हटा के वहाँ से बाहर से उतार के ले आई थी, तो मैं अभी अंदर रख दूँगी एंड फोल्ड करके उनको बाद में रखूँगी। सो अभी बस मेरा झाड़ू का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है, अच्छे से मैं झाड़ू लगाऊँगी पूरा। मैं ना डेली क्या करती हूँ, ये जो मेरा कॉर्नर में ये साइड टेबल है, और ये कॉर्नर में जो रैक रखा हुआ है, इनको भी मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ना हटा के इनको झाड़ू लगाती रहती हूँ, ताकि कॉर्नर्स में ना गंदगी इकट्ठा ना हो, धूल मिट्टी इकट्ठी हो जाती है तो फिर डेली, और फिर वो जम जाती है, तो वहीं फिर ज़्यादा मेहनत का काम बाद में बढ़ जाता है। सो इस वजह से मैं हर चीज़ को हटा के साफ़ कर रही हूँ आज। एंड ये जो मेरा प्लांट है आर्टिफिशियल प्लांट, इसके जो ये बड़े बड़े से लीव्स हैं ना, बहुत सुंदर लगते हैं, ग्रीन ग्रीन। सो इनके ऊपर भी धूल मिट्टी पड़ गई थी, तो मैंने एक कॉटन के छोटे से क्लोथ को थोड़ा सा वेट करके उससे मैं इसको क्लीन कर दूँगी पूरे प्लांट को। एक्चुअली ये वाला जो हमारा रूम है ना, बेडरूम, ये बालकनी के बिल्कुल साथ है, और बाहर गली है, तो फिर वहाँ से पूरा मतलब व्हीकल्स वगैरह निकलते हैं, धूल मिट्टी उड़ती रहती है, तो इस वजह से इस वाले रूम में ना मिट्टी ज़्यादा आ जाती है। सो बेड के नीचे और टेबल्स को साइड में करके सब जगह मुझे झाड़ू लगाना पड़ता है डेली अच्छे से, ताकि ज़्यादा धूल मिट्टी इकट्ठा ना हो। बट कभी कभी इतनी ज़्यादा डीप क्लीनिंग मैं डेली नहीं भी कर पाती, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर चीज़ को अच्छे से क्लीन करूँ, झाड़ू को अच्छे से लगाऊँ, हर चीज़ को हटा के, तो क्योंकि काफ़ी छोटा रूम है, इतना बड़ा तो है नहीं। सो बस यहाँ पे पूरा झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं
बाहर उधर रूम में, किचन में, और जो मेरा लिविंग एरिया है छोटा सा, वहाँ सब जगह झाड़ू लगाऊंगी। तो मैं सबसे पहले इस वाले रूम को अच्छे से क्लीन करके फ्री कर दूंगी, एंड पूरे घर को मैं अच्छे से नीट एंड क्लीन रखती हूँ। झाड़ू लगाती हूँ अच्छे से, फिनाइल का पोचा लगाती हूँ पूरे घर में, मतलब जहाँ तक हो सकता है कि मैं पूरे घर को बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन रखती हूँ झाड़ू पोचा लगा के, एंड थोड़ा सा अपने घर को वेल मैनेज्ड बना के रखती हूँ, ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। बट कमी सिर्फ इस बात की है कि ये जो वॉल्स आप देख रहे हो ना नीचे नीचे की, ये पूरा ख़राब हो चुकी हैं। जब हम यहाँ पे न्यू न्यू आए थे ना, तब ये मतलब उस टाइम यहाँ पे न्यू मतलब वाइट वॉश वगैरह न्यू हुई थी, पेंट्स वगैरह, तो काफ़ी अच्छे से नीट एंड क्लीन थी ये वॉल। बट ना यहाँ पे नीचे नीचे की तरफ ना दीवारों में काफ़ी सीलन आ रखी है, तो सीलन की वजह से नीचे नीचे के पूरे घर में ना काफ़ी मतलब ख़राब हो चुकी हैं वॉल्स, तो अब बहुत ज़्यादा ख़राब लगने लग गया है मुझे। वीडियोस में भी देखती हूँ ना एडिटिंग के टाइम की, घर कितना अजीब सा लग रहा है, जितना भी नीट एंड क्लीन कर लो, ऑर्गेनाइज कर लो, बट जब वॉल्स की बात आती है ना, तो फिर वॉल्स जो हैं बड़ी ख़राब लगती हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। वही है ना, अगर अपना घर हो तो हम कैसे भी करके कभी भी ठीक कर लें, तो अपने हाथ में होती हैं ये सारी चीज़ें। बट जब लैंडलॉर्ड के मकान में रहो, तो फिर उनको तो बोलते रहो भैया, वो तो जल्दी से करवाते नहीं हैं। एंड गाइस, मेरे घर का सामान भी इतना है, तो खुद भी डर लगता है कि वाइट वॉश का काम छेड़ें या ना छेड़ें, क्योंकि फिर बहुत सारा सामान इधर उधर करना पड़ेगा। ये देखिए, ये वाली वॉल भी ऐसे ही है। यहाँ पे फिर बेड लगा हुआ है, टेबल लगा हुआ है, तो इसके पीछे कुछ तो इसके पीछे छुप जाता है। और जिस साइड मेरी वॉशिंग मशीन पड़ी है, उस साइड भी दीवार बहुत ज़्यादा पीछे से ख़राब हो रखी है, तो वहाँ से भी पीछे छुप जाता है। ये वाला जो मेरा रूम है ना, इसमें बिल्कुल ठीक है, इसमें कहीं भी सीलन नहीं आ रखी, बस थोड़ी सी आ रखी है। ये जो मेरी पिंक वाली अलमीरा है ना कार्टून वाली, इसके पीछे है थोड़ी सी, बट वो भी छुप जाती है। बट जो विजिबल वॉल्स है ना, वहाँ पे जब वॉल ख़राब हो रखी हो और वो नज़र आए, बार बार दिखे, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। हाँ, जहाँ पे सामान वो ढक जाए, तो फिर वो मैनेज हो जाता है। बट चलो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, है ना, किसी के मकान में तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ये हमारा अपना नहीं है। यहाँ पे रहते रहते हमें ऑलमोस्ट 3.5 साल हो चुके हैं, थ्री एंड हाफ ईयर्स हो चुके हैं। चलो कोई बात नहीं, भगवान कभी हमारा अपना घर भी बनाएंगे। बस अभी ये वाला रूम रह गया है क्लीन करने के लिए। इसके नीचे भी, अलमीराज के नीचे ना, मुझे जितने भी ये शूज़ स्लीपर्स वगैरह पड़े हैं, वो सब मुझे क्लीन करने होते हैं निकाल करके, क्योंकि इस वाले रूम में हमारा ड्रेसिंग एरिया है, बाल वगैरह बनाते हैं हम लोग, कॉम्ब वगैरह करते हैं, तो फिर बाल काफ़ी उड़ उड़ के ना इधर उधर कॉर्नर्स में फंस जाते हैं, और अलमीरा के नीचे जैसे जगह होती है, तो वहाँ पे काफ़ी मतलब बाल वाल चले जाते हैं, काफ़ी गंदगी मिट्टी हो जाती है। गाइज, यहाँ पे अलमीराज के नीचे ना मैंने इस तरीके से शूज स्लीपर्स रखे हुए हैं। हालांकि बोला जाता है, मैंने सुना है कि अलमीराज के नीचे ना शूज़ वगैरह रखने नहीं चाहिए, अच्छा नहीं माना जाता, बट क्या करें, यहाँ पे इतनी स्पेस है नहीं, तो मुझे रखना पड़ता है। एंड ये देखिए, अभी मैंने वॉशिंग मशीन हटाई थी, तो पीछे की वॉल में यहाँ पे भी सीलन आ रखी है, काफ़ी ख़राब हो रखी है। और ये सामने जो आप देख रहे हो बाथरूम के साइड में, ये सारी वॉल सब ख़राब हो रखी हैं। इस साइड तो काफ़ी बुरा हाल है बाहर की तरफ, तो इस वजह से मुझे अच्छा भी नहीं लगता। किचन में तो ये है कि चलो पूरा नीचे से ऊपर तक टाइल्स लगी हुई हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा मैनेज हो जाता है। बस यहाँ पे मेरा क्लीनिंग का प्रोसेस जो है वो ख़त्म हो चुका है। झाड़ू पोछा सब मैं लगा चुकी हूँ, घर को पूरा अच्छे से वेल सेट कर दिया है, ऑर्गेनाइज कर दिया है। एंड अब बारी आती है हस्बैंड के शर्ट को प्रेस करने की। अभी इस शर्ट को मैंने, आपने देखा होगा, मैंने अभी इसको फिटिंग किया था स्लीव से। इसकी फिटिंग के बाद फिर मैंने सोचा चलो इसको अच्छे से प्रेस कर देती हूँ, ताकि और अच्छे से ये क्रीज बन जाएगी इसकी। बस कॉटन की शर्ट है ये, बहुत अच्छा फैब्रिक था इसका, तो फिर अभी इनको ये पहननी है, तो ये रेडी होके खड़े हुए थे, मैंने सोचा चलो मैं इसको प्रेस करके दे देती हूँ इन्हें। और अभी मैं बार बार प्रेस करते करते ना सीधा खड़े होना पड़ता है मुझे, क्योंकि मेरी बैक में ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, क्योंकि झाड़ू लगाया पोछा लगाया तो आपको पता है कि कितना झुकने वाला काम होता है, तो फिर झुक करके मैं प्रेस भी कर रही हूँ, तो उसमें भी मुझे काफ़ी तकलीफ़ होती है। क्या करें, मैनेज करना पड़ता है यार, घर के काम है, कभी ख़त्म तो होंगे नहीं, बट अपनी हेल्थ को देखते रहे तो ये काम नहीं होंगे फिर तो। तो चलिए, अभी आ गई हूँ मैं किचन में, एक लेमन कट करूँगी। काफ़ी अच्छे से मैंने पूरे घर को मतलब
काम किया है तो काफ़ी अच्छे से मेरा वर्कआउट जो है कंप्लीट हो चुका है। बॉडी मेरी अच्छे से रिलैक्स कर रही है अब, क्योंकि वर्कआउट के बाद काफ़ी लाइट फील होता है मुझे, तो घर का काम करते करते ही मेरा वर्कआउट हो जाता है। और यहाँ पे एक लेमन को अच्छे से स्क्वीज़ करके मैं वार्म वाटर में डाल के अच्छे से पी लूँगी इसको। ये पूरा जो आप मेरा कांच का ये जो मग है ना, मग बोल लो या कांच का बड़ा ग्लास बोल लो, तो इसको पूरा भर के मैं वार्म वाटर का इसमें फिर लेमन डाल के मैं पी लेती हूँ। एंड उसके बाद फिर मैं नहा करके रेडी हो गई थी, एंड देन अभी हम जा रहे हैं दक्षु को स्कूल से लेने। सो पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है रोड पे, आप देख सकते हो। ये आ गया दक्षु का स्कूल। हेलो, बैग तो लेके आओ, वाटर बॉटल ये मंगवाई थी। बाय करो, बाय करो, बाय बाय करो मैम को। चलो feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of pain. Tasty hai. Mommy, Dad! Papi, resort. Kahan? Kahan gayi? Kahan hai nahi. Papi, Dad, resort mein gayi. अरे एक तो लिजर्ड इसकी जो लेके आया ना आर्टिफिशियल है, वो बेडशीट का कलर ऐसा है और उसका कलर ना मिक्स हो जाता है, पता ही नहीं चलता कहाँ पड़ी है। कुछ मिली नहीं? छोड़ के आ जाते हैं। सो अभी ये भूल गया था उस चीज़ को छुट्टियों में, वन मंथ की इसकी छुट्टियाँ, इसको हॉलीडेज मिली थी। सो अभी आज अब कल से शायद थोड़ा सा वो करेगा कि नहीं जाना इसको, मतलब थोड़ी देर के लिए वहाँ पे जाके ना थोड़ा सा उदास हो जाता है ये, वैसे मतलब परेशान नहीं करता ये कभी भी, थोड़ा सा उदास हो जाता है कि स्कूल छोड़ के फिर हम चले जाते हैं ना। इसको होता है कि मम्मी भी वहीं पर रहे, मेरी मम्मा मेरे पास रहे,
सो इस वजह से ये थोड़ा सा वो करता है। हाय दक्षु थैंक यू। ऐसा क्या दे दिया दक्षु ने जो थैंक यू बोलूं मैं? हैं भाई मम्मा टेक गोगी लो खा लो खाना नहीं लो खा लेट खा लेट कैमरा दोगी जल्दी खाओ नहीं खाना। सो देखते हैं आप आगे आगे आने वाले टाइम में क्या क्या एक्सपीरियंस रहता है। सो ज़्यादा परेशान तो नहीं करता, बस इसको थोड़ा सा ये होता है कि हम लोग छोड़ के आ जाते हैं ना इसको स्कूल में, तो फिर ये थोड़ा सा उदास हो जाता है। बट बाद में फिर ये अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पे मिक्सअप हो जाता है, टीचर्स के साथ फिर अच्छे से टाइम स्पेंड करता है। और जब मैं जाती हूँ इसको लेने फिर ये बिल्कुल हैप्पी होता है, बच्चों के साथ खेल रहा होता है या टीचर से बात कर रहा होता है। तो बस आज से रूटीन हो गया हमारा शुरू। अच्छे अच्छे से ब्लॉग्स और लेके आने वाली हूँ मैं आने वाले टाइम में, क्योंकि अब जल्दी उठ जाया करेंगे, दक्षु की वजह से हम जल्दी उठने लग गए हैं, अब स्कूल जाता है ना ये। सो जल्दी उठने के ना बहुत सारे फायदे हैं, एक तो टाइम से हमारा काम जो है, हमारा शेड्यूल जो है ना बहुत अच्छे से टाइमली सेट हो जाता है, सारे काम टाइम से फिनिश हो जाते हैं, घर का भी और भी कोई हमारे काम होते हैं। और मुझे मेडिसिन चल रही है मेरी, आप सबको पता ही है कि थोड़ा सा मेरे हेल्थ इशू चल रहा है, सो बहुत ज़्यादा वीक हूँ मैं अंदर से। देखने में लोगों को लगता है कि मैं बहुत अच्छे से फिट हूँ, बट मैं फिट नहीं हूँ, मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ। थकावट अभी कुछ टाइम से ये चीज़ें मेरे अंदर होना स्टार्ट हुई हैं, पहले बिल्कुल भी नहीं था ऐसा, मेरा हेल्थ बहुत अच्छी होती थी पहले और अभी भी ठीक है। मैं अपना इतना मतलब ना सोचती नहीं हूँ इस बारे में, मैं अपना जो काम करना होता है ना मुझे घर का लगी रहती हूँ, साफ़ सफाइयाँ ये वो और जितने भी मेरे काम होते हैं, मतलब मैं फिर बाद में लेके ना बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती हूँ, फिर मुझे अजीब सा फील होता है कि नहीं मुझे इतना वर्कआउट नहीं करना चाहिए था, मुझे थोड़ा रेस्ट भी ज़रूरी है। सो फिलहाल मैंने अभी एक्सरसाइज बंद कर रखी है अपनी, क्योंकि मुझे ना बॉडी में कहीं कहीं पे क्रैम्प्स आ रहे थे, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, इस वजह से मैंने अभी एक्सरसाइज भी नहीं स्टार्ट की। वॉक करती हूँ बस घर के अंदर अंदर ही वॉक करती हूँ, बाहर यहाँ पे वॉक करने की ऐसी कोई जगह नहीं है। वॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डॉक्टर ने बोला है कि वॉक करो, बट मेरा वॉक करने का शेड्यूल नहीं बन पा रहा। सो देखते हैं अभी क्या करना है आगे। और डाइट प्लान थोड़ा सा मेरा चेंज किया है, सो वो भी मुझे डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही मैं चीज़ें खा पी रही हूँ। मैं ज़्यादा मतलब फाइबर वाली चीज़ें मुझे खानी है और फैट वगैरह फैटी चीज़ें मुझे नहीं खानी है जिनमें फैट होता है। सो देखते हैं, मुझे वेट कम करना है, अभी तो बहुत ज़्यादा वेट नहीं है मेरा, वैसे देखने में नहीं लगता क्योंकि मेरी हाइट है ना, सो इस वजह से। बट डॉक्टर ने बोला है कि अभी और वेट कम करो, सो मैं और वेट कम करूँगी। मेरी ना वैसे टमी भी बाहर निकलना शुरू हो गई थी, क्योंकि ज़्यादा बाहर वॉक करना ना मेरा मतलब चलना फिरना घूमना फिरना इतना नहीं हो पाता, सो मेरी टमी भी बाहर आना स्टार्ट हो गई थी हल्की हल्की सी। तो अच्छा है, डाइट प्लान मेरा चेंज हो गया है और थोड़ा सा मेरा मतलब वेट भी कम करना है मुझे, सो मेरी टमी फिर अंदर चली जाएगी, फिर मैं अच्छे से स्लिम फिट हो जाऊंगी दोबारा से। सो मेरे कपड़े और इतने प्यारे प्यारे मेरे कपड़े हैं कि मैं दोबारा से उनको रीयूज़ कर पाऊंगी। लो दक्षु, दक्षी ये लो, जल्दी आओ, जल्दी आ जाओ। आपने फ्रूट नहीं पूरा फिनिश किया, मैं क्यों दूँ अब कैमरा आपको? आपने फ्रूट क्यों नहीं फिनिश किया पूरा? मैंने आपको बोला था ना पूरा फ्रूट खाओ अपना। डमी में देखो बस बस। अच्छा स्कूल में क्या क्या किया आज बताओ सबको। क्या क्या किया स्कूल में? क्या हो गया? हाई कैसे हुई? अच्छा स्कूल में क्या करवाया मैम ने? इसकी नौटंकी चालू रहेगी, बस अभी इसको ना सुला दूंगी मैं, खाना पीना तो इसका हो गया, मैं इसको निन्नी करवाऊंगी, थोड़ी देर सोएगा, मुझे भी थोड़ा आराम मिलेगा जब ये सोता है, तब तक मैं अपनी वीडियो वगैरह एडिट करूंगी। अब भी रुको तो चलिए गाइस, उम्मीद है आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं इंद्रजीत और दक्षप्रीत मिलेंगे आपसे फिर एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस। पहले बाय करो सबको, बोलो टेक केयर, चलो कैमरा क्लोज।